गाइस, इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक जो जानकारी अभी उपलब्ध है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है बर्ड ES1 प्लस। इसकी जो रेंज होने वाली वो होगी 55 किलोमीटर की। चार्जिंग टाइम होगा इसका 7 घंटे का। दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलेंगे। जो कंसोल है वो डिजिटल होने वाला है। अब इसकी पूरी उम्मीद थी जुलाई 2020 में आने की, कोरोने की वजह से थोड़ा लेट भी हो सकता है। जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 60,000। और यहाँ पे हमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। इसके TVS क्रियोन, अब ये आई थी 2018 में। अब जाके इसकी थोड़ी कंफर्मेशन आई है कि साल के एंड में ये हमें देखने को मिल जाएगी। काफ़ी पावरफुल स्कूटी होने वाली है ये। अब यहाँ पे इसकी स्पेक्स की बात करें तो ज़्यादा अभी भी नहीं निकल के आई हैं। ये 80 से 90 की हमें रेंज देगी और 0 to 100 ये जाएगी 5 सेकेंड में। और यहाँ पे ये भी देखने में लग रहा है कि इसमें फास्ट चार्जिंग होने वाली है। प्राइस इसकी 1 लाख के अराउंड हो सकती है। इसके बाद है इवर्व EF1। सो गाइस, यहाँ पे ये एक ऐसा स्कूटर माना जा रहा है जो सीधा टक्कर देगा एथर 450X को, क्योंकि यहाँ पे इसके स्पेक्स और इसकी लुक, पावर, ये सब टॉप नॉच लग रही हैं। इसकी जो हेडलाइट है, इसकी जो टेल लाइट है, वो सब आप देखो तो यहाँ पे आयरन मैन जैसी लुक आती है। अभी तक जितनी भी स्पेक्स निकल के आई हैं उनमें से है 3300 वॉट की VLDC मोटर होगी, बेल ड्रिवन होने वाली है, 5 घंटे लगेंगे इसे चार्ज करने में, डुअल डिस्क होंगे, सिंगल चैनल ABS होगा। अब इसकी प्राइस भी लगाई जा रही है कि 1 लाख के आसपास होगी और ये सीधा सीधा कंपटीशन देगा एथर 450X को। सो दोस्तों, यही थे कुछ कन्फर्म स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हमें जल्द देखने को मिलने वाले हैं 2020 में। तो ऐसे तो और भी हैं बट उनकी हमें कंफर्म नहीं है वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसलिए उन पर भी वीडियो नहीं बनाया। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 को इंक्लूड करा इस वीडियो में। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करना, बिकॉज लाइक बहुत ज़रूरी है वीडियो के लिए। और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर और भी आएंगी। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।